जनसुराज तो सबसे पहले अभी दल है नहीं, जनसुराज एक अभियान है जन जागृति का। ये बताना है कि कैसे हमारे वोटों को लूटा जाता है और हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 50 वर्षों से बिहार में। एक नौवी फेल को हम लोग मुख्यमंत्री मानने के लिए बेचैन पड़े हुए हैं। अपने क्षेत्र में दिखाई देता है कि जो होना चाहिए अनिवार्य ही है होना, अपनी शिक्षा नीति पर तो सबसे पहले काम करनी है कि जो अगर महिलाएं घर से बाहर जाके सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगी, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगी, तो अपना समाज विकसित नहीं कर पाएंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के पटल से महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलते हैं, ये कितना घिनौना हरकत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज प्रशांत किशोर के जनस्वराज अभियान के तहत मुजफ्फरपुर में भी पदयात्रा निकाली गई, जिसमें जिला युवा अध्यक्ष श्रावण पांडे के नेतृत्व में लोगों को जनस्वराज से जोड़ा गया और बताया गया कि किस तरह से हम लोगों को छला जाता है। आम जनता के हित में कोई भी सरकार सोचती नहीं है। इसी अभियान के तहत पारू विधानसभा से रंजना कुमारी सहित सैकड़ों लोग जनस्वराज से जुड़े और सदस्यता ली। उन्होंने भी प्रशांत किशोर के इस जनस्वराज को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। अब आगे सुनिए कि जिला युवा अध्यक्ष श्रावण पांडे क्या कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर के इस कमरा रोड से, तो इसका क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य सबसे बड़ा हमारा यह है कि जनसुराज तो सबसे पहले अभी दल है नहीं, जनसुराज एक अभियान है जन जागृति का। ये बताना है कि कैसे हमारे वोटों को लूटा जाता है और हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 50 वर्षों से बिहार में। एक नौवीं फेल को हम लोग मुख्यमंत्री मानने के लिए बेचैन पड़े हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के पटल से महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलते हैं, ये कितना घिनौना हरकत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ऐसे लोगों को हम मतलब अपना समर्थन देते हैं, वोट देते हैं, और ये लोग हमें लगातार लूटते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि रंजना कुमारी जी ज्वाइन कर रही हैं, जो कि पारू विधानसभा की सबसे मजबूत महिला में से आती हैं, मजबूत नेत्री हैं। इनके साथ सैकड़ों लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, सैकड़ों महिलाएँ सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। आप सिर्फ 50% आबादी की बात करते हैं साहब, और 50% आबादी को आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये कौन सी बात है? आप क्या मजाक बना करके रखे हुए हैं? और हमारे परम आदरणीय, हमारे जो प्रणेता हैं जनसुराज के, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो पदयात्रा में लगे हुए हैं। पदयात्रा वो पूरे निष्ठा के साथ कर रहे हैं। उनके लिए या हमारे लिए पदयात्रा एक महापर्व की तरह है। पूरे निष्ठा के साथ अभी दरभंगा में लगे हुए हैं, वो पदयात्रा में चल रहे हैं। उनके समर्थन में हम लोग भी पदयात्रा में निकले हुए हैं, और आज रंजना कुमारी जी को हम लोग जिला कार्यालय में सैकड़ों सदस्यों के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ ज्वाइन करवा रहे हैं। और बिहार में एक बड़ी आवाज़ बन करके जनसुराज उभर रहा है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का बहुत बड़ा उदाहरण अभी आपको इस खबड़ा हाईवे पे देखने के लिए मिल रहा है कि पारू विधानसभा और नगर विधानसभा के सैकड़ों हजारों लोग अभी जा रहे हैं जिला कार्यालय को ज्वाइन करने। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावण पांडे, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। जी मैडम, बताइए, आज आपने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया है, इसको लेकर क्या उद्देश्य है आपके मन में? उद्देश्य की क्या बात करूँ, सभी बड़े लोगों के आशीर्वाद से जरा मन में आया है कि सेवा की जाए अपने गाँव की। और जन स्वराज पार्टी एक आंदोलन का रूप ले चुकी है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ रही हूँ, देखती हूँ आगे क्या होता है। सभी के सौजन्य से जो हो रहा है अच्छा लग रहा है। चुनाव के पहले ही इतने सारे लोगों का साथ आ गया है, ये जानकर अच्छा लग रहा है। और जन स्वराज का बड़ा महत्व समझ में आ रहा है आज। आपका जुड़ने के पीछे का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य? आज आप पहली बार मुजफ्फरपुर से जन स्वराज पार्टी की अभियान की तरफ से बाइक रैली भी निकल रही है, तो वजह क्या है और उद्देश्य क्या है? जैसे जनता के बीच में महिलाओं के लिए जो एक सम्मान का विषय होना चाहिए, इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा पहल करना जरूरी होगा। इस वजह से मैं आगे आई हूँ, और सभी का सहयोग मिला। ये आंदोलन है तो जन आंदोलन ही है, तो और क्या बताऊँ। अभी आज तो पहली बार जा रही हूँ नामांकन करने। महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या कुछ कर पाएंगे, इस तरह की आपने अभियान के तहत आपने बात कही है? जो मुझे अपने क्षेत्र में दिखाई देता है कि जो होना चाहिए अनिवार्य ही है होना, अपनी शिक्षा नीति पर तो सबसे पहले काम करनी है कि जो अगर महिलाएं घर से बाहर जाके सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगी, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगी, तो अपना समाज विकसित नहीं कर पाएंगी। सक्रिय राजनीति में जो भी हम लोग कर पाएंगे वो हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या बिहार बदलेगा जनसुराज का? बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। जब मन से तन से आदमी इतना करेगा आगे बढ़ने की जो नीति है वो अपनाएगा, तो क्यों नहीं बढ़ेगा। जब एक परिवार बढ़ जाएगा तो ये तो बिहार है, पूरा देश आगे बढ़ेगा। नौकर होनी चाहिए ऐसी। क्या पर्चे हुआ मैडम? क्या पर्चे हुआ? मैं पारू प्रखंड से रंजना कुमारी।
जय बिहार।